व्हाट्स अप गाइस, मैं उन्होंने स्वागत है आपका मेरे शो जिसका नाम है कराची रिएक्शन। हाँ तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना हमारी, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मिसाइल्स पे, इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी की बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स का कंपैरिजन है। और ये वीडियो है न्यू हॉरिजॉन की, तो गाइस आप लोग जाके इनका चेक करना चैनल और लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। हाँ तो गाइस, फिर बिना किसी देर के बिना किसी वक्त के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप लोग नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट व्हाट एवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट। क्या कर रहे हो? हाँ तो गाइस, लेट्स जंप टू द वीडियो, उसके बाद आगे अपना वीडियो रिएक्शन ओपिनियन देंगे। 1 2 3 बूम। न्यू हॉरिजॉन पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल, पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल, ओए बैलिस्टिक मिसाइल। शाहीन, वॉरहेड, सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल, 900 KF। शाहीन 2, 2004, 2000 KM। शाहीन 3 मल्टी स्टेज बैलिस्टिक, मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल, ओबे भाई कवर हो गया। अबाबेल पाकिस्तान क्रूज मिसाइल्स, बाबर 2, इस्लामाबाद पाकिस्तान पसी सरफेस क्रूज मिसाइल, बाबर 3 सबमरीन वर्जन, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि,
अग्नि टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अबे भाई पूरा कहाँ कहाँ तक गिर रहा है, थाईलैंड वियतनाम चाइना भी। अग्नि थ्री 3,500 किलोमीटर तक गिरी है। तो हांगकॉन्ग ताइवान सबको उड़ा देगा, मलेशिया सिंगापुर श्रीलंका। इंटरमीडिएट रेंज अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज 4,000 किलोमीटर की रेंज भाई। उफ़ो एशिया को तबाह पूरे म्यांमार बर्मा अग्नि लॉन्ग रेंज ब्लास्टिंग भाई। ओए होए मिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज 3,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। रुतान बड़ा भाई कैर पर मतलब पूरा ही है। थाउजेंड की रेंज इसकी सुपर सॉनिक रेंज है। उफ मतलब ये मिसाइल तो पूरे पूरे ऐसा है कि कंट्री की कंट्री उड़ा देंगे यार। मतलब ये मतलब असल में पता है क्या, आर्मी और फौज में यही सब होगा। बट अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। वैसे तो ऐसा वक्त कम होता है, बट ये है कि जंग होती है उसमें होता है, वो भी ऐसे नहीं होता। मतलब जब कोई जंग जीत जाता है या कुछ भी ऐसा, शहरी या जो होते हैं ना यार इलाके, वहाँ पे ऐसा है कि बमबारी नहीं होती जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि सिटीजन और ह्यूमन को लोगों में मारना ना, मतलब अगर कोई यार ये कि जंग वगैरह हार जाए ना, तो वो क्या बोलते हैं, इंसानों की जंग नहीं होती। मतलब इंसानों को नहीं मारते, पहले पहले फौज और फौज की जंग होती है, और नेवी नेवी की होती है, आर्मी आर्मी की होती है। मतलब ऐसी जंग होती है, उसके बाद जो भी कोई हार जाता है या वो कोई होता है यार एग्रीमेंट वगैरह साइन जो भी, वो तो मुझे तो इतना नहीं पता क्योंकि मैं फौज में थोड़ी हूँ। बस मैंने ये देखा कि यार रेंज बहुत है, और चाइना जापान और ताइवान और थाईलैंड तक को उड़ा, मतलब उसकी रेंज, मतलब इतनी बड़ी रेंज मैंने सर्कल देखी। सिर्फ दो एरिया वाले मिसाइल थे जिसके अंदर चाइना जापान मतलब एशिया को ना निस्तो नाबूद, सिर्फ दो मिसाइल। मतलब यार इतने खतरनाक वेपन्स का क्या, मतलब यार इतना ये कि कतरो गारत करके क्या मिलेगा यार। खैर तो गाइस ये थी मिसाइल्स की कंपैरिजन, जिसमें इंडिया के पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज के स्पीड सुपरसोनिक और बैलिस्टिक जो क्रूज जो मिसाइल्स है ना, और वैसे मिसाइल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि इकोनॉमी और जीडीपी भी बड़ी है, और मतलब उनके पास ये है कि टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा अच्छी है, हमारे भी अच्छे हैं। उनको मसले वाली बात नहीं, बट वही का एक होता है कि कंपेरिजन देखा जाए तो उनके ज़्यादा थोड़े हाई रेंज के, मतलब लॉन्ग रेंज के। तो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट
डू इट, तो फिर मेरे ख्याल से नहीं मिल सकता कि अपना अपनी फैमिली देश वतन सबसे प्यार मोहब्बत है, उसके आवाज़ है भाई को हमेशा याद रखें।